हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है ये ब्लैंकेट की एजिंग किस तरह से करनी है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने ब्लैंकेट जो है वो तैयार कर लिया है और अब जो है मैं साइड्स में, चारों साइड्स में जो है बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी ये इस तरह से एजिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, हल्की सी कर रही हूँ तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे जो ब्लैंकेट है उसमें मैंने बीच में जो है ये डिज़ाइन डाला है, जिसकी वजह से बीच में ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब मैं साइड में जो है बिल्कुल सिंपल एजिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से इस पर साइड्स पर देखेंगे आप, ये मैंने कर रखी है, ये हल्का सा मैंने जो है डिफरेंट कलर का वो लिया हुआ है। और अगर आपको इसी तरह का करना है तो आप यहाँ पे डार्क कलर का भी ले सकते हैं, या किसी भी कॉन्ट्रास्ट में बना सकते हैं, या सेम कलर से आप इसे कर सकते हैं। तो ये मैं किस तरह से कर रही हूँ देखिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एजिंग हम देखिए, यहाँ पे अभी एजिंग करनी रह गई है। तो ये देखिए, थोड़ा सा इरेगुलर जैसा हो जाता है और देखने में थोड़ा सा लूज और अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, साइड्स में अगर आप एजिंग करेंगे तो ये साइड्स बिल्कुल अपनी प्रॉपर लेंथ भी पकड़ लेती है, चारों साइड से बराबर लगती है। और साइड से अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका ब्लैंकेट बहुत ही सुंदर भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ तक मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, और जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही मैं सेम आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो है, मैं एक स्टिच छोड़ के जो है दूसरे स्टिच से ये करने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, इस होल के बाद देखिए ये नेक्स्ट होल है, ये छोटा होल, ये बड़ा होल, ये जो साइड्स बनती जाती हैं ऊपर और नीचे को छोड़ के, तो ये थोड़े से इरेगुलर होती है, तो इस वजह से ये होल्स छोटे बड़े क्रिएट हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं एक होल छोड़ के दूसरे होल से ये बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने अभी इस होल से बनाया है, तो ये वाला होल छोड़ दूंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसे खींच के देखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट होल ये वाला आ जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं क्रोशिया इस तरह से डालते हुए ऐसे यहाँ पे बुनूंगी, ये हल्का सा लूज छोड़ना है। और फिर अब देखिए, हमने क्या करना है, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जो है क्रोशिया को घुमाना है, और फिर इसे इस तरीके से क्रोशिया से बुन लेना है इस तरीके से। तो ये हर बार जो है हम इस तरीके से करते जाएंगे। इस स्टिच को हल्का सा लूज छोड़ना है। और अब देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा छोटा सा, सॉरी छोटा नहीं, ये वाला होल बनता है, इसे हम छोड़ देंगे। और इसके नेक्स्ट जो ये वाला होल है, इसे हमने इस तरीके से करना है। थोड़ा सा हम इसे लूज खींच लेंगे, क्योंकि हम जब ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये हमने ऐसे करना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है, फिर हमने इसे ऐसे बुन देना है। तो ये देखिए, दो बार मैंने किया है, तो ये इस तरीके से करते जाना है। तो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ये वाला होल है, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाले होल पे हम अब डबल क्रोशेट कर लेंगे ऐसे, सॉरी ये ऐसे, और इसे ट्विस्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और इसे फिर बुनेंगे। तो अब देखिए, जब हम कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे तो हमने कॉर्नर पे भी ऐसे ही करते जाना है। कॉर्नर पर हमारा कोई खास पैटर्न नहीं रहेगा, सेम ऐसे ही करते जाना जैसे हमने साइड्स पे किया है। पिक करेंगे लूप, ट्विस्ट करेंगे और ऐसे बुन देंगे। तो अब यहाँ पे कर लिया है, अब हम ये वाला, अब देखिए जब हम ऊपर और नीचे जब हम इस तरीके से एजिंग करने जाएंगे तो स्टिचेस हमारे ऐसे बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। यहाँ पे साइड्स थी जो इरेगुलर थी, तो उन पे हमने इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही करना है, एक होल छोड़ के दूसरे होल से बनाते जाना है। और अब हम अगर ऊपर और नीचे जो है वो करेंगे एजिंग, तो इस तरीके से करना है, एक स्टिच को छोड़ देना है, दूसरे स्टिच को ऐसे हमने लूप उठा के यहाँ पे इसी तरीके से ट्विस्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज और इसे बुन लेना है ऐसे। तो अब ऐसे ही करेंगे, एक स्टिच छोड़ देंगे और ये ऐसे ट्विस्ट करेंगे ऐसे। तो अब नेक्स्ट, ये वाला हमने बुना, ये छोड़ देंगे और इसे बुनेंगे
ऐसे इसे थोड़ा सा खींच लेंगे, थोड़ा लूज कर लेंगे ताकि हम ट्विस्ट कर लें आसानी से और फिर इसे बुन लें ऐसे। अब ये वाला छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला बुनेंगे ऐसे, ट्विस्ट करेंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले को बुनेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये एजिंग करके बताया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसी तरह से तरीके से जो है कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लैंकेट जो है बिल्कुल प्लेन पैटर्न से बनाया है तो आप जो है कुछ डिफरेंट यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो आगे जो है हम क्रोशिया से रिलेटेड जो है अलग अलग वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा और जुड़े जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।